हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े। जैसे कि हमने फ्रंट लोड मशीन का इसके पहले के वीडियो में देखा है कि कैसे ये मशीन डिसेंबल करते हैं और कहाँ पे कौन सा पार्ट लगा हुआ है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा पार्ट लगा है। उसी के साथ साथ पार्ट का हम ट्रबल शूट करेंगे कि पार्ट में प्रॉब्लम है या पीसीबी में प्रॉब्लम है। पार्ट में सप्लाई अगर आ रहा है तो सप्लाई पीसीबी से आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी हम फाइंड करेंगे। अगर पार्ट हमारा वर्किंग नहीं कर रहा है तो पार्ट वर्किंग क्यों नहीं कर रहा है, पीसीबी से सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी चेक करेंगे हम पार्ट के एंड तक के, कि पार्ट में वर्किंग क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें फाइंड अगर करना है कि पार्ट में प्रॉब्लम है या पीसीबी में प्रॉब्लम है तो हमें दोनों वैसे चेक करते आना चाहिए कि पार्ट ओके है या पीसीबी ओके है ना। तो पार्ट में अगर पार्ट ओके है तो हो सकता है पीसीबी से सप्लाई नहीं आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर पार्ट ओके नहीं है तो समझ लीजिए पीसीबी से सप्लाई आ रहा है पर पार्ट हमारा वर्किंग नहीं कर रहा है। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे वीडियो में। तो चले देखते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे इनलेट वॉल से, क्योंकि जब हम सप्लाई लगा देते हैं तो उसके बाद जैसे अब कोई भी हम फंक्शन डालते हैं, जैसे वॉश फंक्शन हम देते हैं, तो पहला हमारा जो वर्किंग होता है ये इनलेट वॉल का वर्किंग होता है। तो इनलेट वॉल को हम जैसे एसवी भी बोलते हैं, उसके साथ में सोलेनोइड वॉल भी बोलते हैं। अभी ये जो इनलेट वॉल है तो इसमें कैसा है, इसमें जो इसको रिक्वायरमेंट है पावर की वो 220 वोल्ट 240 वोल्ट के बीच में है, तो इसमें ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो समझ लीजिए ये एसी पे वर्क कर रहा है। अभी पहले हम ये देखेंगे कि ये पार्ट कैसे ओपन किया जाता है। तो जैसे हमें ये एसवी खोलना है तो एसवी आप देख रहे हैं तो इसमें कोई स्क्रू नहीं लगा है, ये लॉक है, लॉक सिस्टम पे एसवी इस पे लगाया गया है। तो एक बार देखते हैं कि इसे कैसे खोलना है। तो जैसे यहाँ पे लॉक दिया गया है तो इसे तो पहले हम स्क्रू ड्राइवर के मदद से यहाँ से पुल करेंगे और इसे यहाँ से प्रेस करके यहाँ पर स्लाइड करके इसको खोलना है हमें। तो एक बार इसे खोल के देखते हैं हम कैसे खुलता है ये। तो जैसे मैं यहाँ से पीछे से ये लॉक को पुल कर रहा हूँ आगे में, तो साहिल आप इसको प्रेस कीजिए, इधर स्लाइड कीजिए मेरी तरफ, ये देखिए इसको स्लाइड कर दिया है। अभी देखिए स्लाइड कर दिया है तो ये लॉक ओपन हो चुका है, लॉक ओपन हो चुका है तो इसको ऐसे प्रेस करते हुए इसको बाहर पुल कर लेना है। इस तरीके से इसका एसवी स्लाइड करते हुए लॉक ओपन करते हुए बाहर आ गया है। कोई कोई वॉशिंग मशीन में ऐसा होता है कि यहाँ पे स्क्रू दिए गए होते हैं तो स्क्रू डायरेक्ट यहाँ पे लगे होंगे बॉडी में, तो स्क्रू खोल लीजिए तो एसवी बाहर आ जाएगा हमारा जो इनलेट वॉल है। पर इसमें लॉक सिस्टम है तो लॉक के हिसाब से हमने स्लाइड करके इसको खोल लिया है। अभी हम इसमें पहला प्रोसेस ये चेक करेंगे कि हमारा सेलोनेट वॉल जो है, जो इनलेट वॉल जो हमारा एसवी जो है वो हमारा ओके है या नहीं है, पहले हम ये टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। और इस पर ये भी देखेंगे कि सप्लाई आ रहा है तो किस प्रकार सप्लाई आ रहा है वॉल पे, क्योंकि यहाँ पे दो इनलेट वॉल लगे हुए हैं, दो एसवी लगे हुए हैं, एक ही है पर इसका मतलब ड्यूअल एसवी इसे बोल सकते हैं इनलेट वॉल। तो इसे चलो चेक करते हैं एक बार। तो अभी जैसे इसमें हमने एसवी जो इसका इनलेट वॉल है ये ओपन करना देख लिया है, अभी ये चेक करेंगे हम इसको प्रोग्राम पे डालने के बाद में कि जब प्रोग्राम पे डालते हैं तो हमारा एसवी वर्क करता है या नहीं करता है, वहाँ पे सप्लाई कैसे चेक करना है वो भी देखेंगे। जैसे ये 220 से लेकर 240 वोल्ट पे ऑपरेट होता है तो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें वोल्टेज उतने क्रिएट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर ये इतने वोल्टेज पर वर्क कर रहा है तो इसको डेफिनेटली एसी करंट मिल रहा है, जो एसी करंट 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में से मिलता है, पीसीबी से सप्लाई आता है डायरेक्ट। और जब इस पर सप्लाई आता है तो इस पर हमिंग का साउंड आता है क्योंकि इसमें मैग्नेट होता है, तो जैसे ही इस पर सप्लाई आएगा जैसे कॉइल चार्ज हो गई तो मैग्नेट वो ऊपर पुल कर लेता है और पानी इसमें से आना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि पहले जैसे इसमें अभी हम प्रोग्राम देते हैं, इसमें जैसा बेसिक प्रोग्राम दे देंगे कॉटन के प्रोग्राम पे, उसके बाद देखेंगे कि पहला सब जैसा सिग्नल इस पे आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि पहला सिग्नल क्या होता है, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है वॉश का तो पहले सप्लाई आएगा एसवी पे, जैसे वो इनलेट वॉल होता है, ठीक है, वो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद पानी लेती है मशीन। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो मशीन को हम अभी प्रोग्राम पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो हम इसे प्रोग्राम पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे ऑन हो गए तो हम इसे कॉटन क्विक पे अभी स्टार्ट कर देंगे मशीन को। तो ये सबसे कम प्रोग्राम है, जैसे इसमें देखेंगे कॉटन क्विक पे हमने डाला है तो इसको हम हमें 30 डिग्री तो नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल वाटर चाहिए तो हम नॉर्मल वाटर पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में कॉटन क्विक का जो टाइमिंग है 39 मिनट का है। तो अभी इस मशीन को हम स्टार्ट करते हैं और फिर चेक करेंगे कि हमारे इनलेट वॉल पे सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है और इनलेट वॉल ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मशीन को मैं स्टार्ट करता हूँ।
तो मशीन को मैंने स्टार्ट कर दिया है अभी मशीन पे स्टार्ट मशीन को स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे मैंने बताया था SV जो है हमारा इनलेट वॉल्व जो है हमारा तो उसके जो दो टर्मिनल है इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज हमारे प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अभी मैं जैसे इस पर प्रोग्राम डालने के बाद इसमें मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, इस पर एक तो हमिंग साउंड भी आ रहा है, मैं एक वैसा जब प्रोब लगा के रख रहा हूँ तो इसमें वाइब्रेशन साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो इनलेट वॉल है वो ओके है और वो ऑन हो रहा है। तो इस पर एक बार हम देख लेते हैं कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो जैसे दो टर्मिनल है तो इस पर मैं हमारे मीटर को हम AC मोड पे डालेंगे, जैसे वोल्टेज पे AC मोड पे डालेंगे और चेक करेंगे कितना वोल्टेज इस पर आ रहा है। तो मैं इसे चेक करता हूँ कितना वोल्ट इस पर आ रहा है, देख सकते हैं आप मल्टीमीटर में 233, 238, 240 वोल्ट तक इस पर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा इनलेट वॉल स्टार्ट है और इसमें भी वाइब्रेशन का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनलेट वॉल चेक करेंगे, हमारा इनलेट वॉल चालू है, इनलेट वॉल पे सप्लाई प्रॉपर आ रहा है। अगर देखिए इसमें कंडीशन ऐसे हो सकती है कि इनलेट वॉल पे सप्लाई आने के बाद भी अगर ये इनलेट वॉल पानी ले रहा है तो उसका मतलब पहले तो ये चेक कर लीजिए कि सप्लाई आ रहा है मतलब PCB से सप्लाई आ रहा है वो ओके है, 240 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब अभी प्रॉब्लम हमारा जो है वो हमारा प्रॉब्लम इनलेट वॉल में है। तो इनलेट वॉल पे एक तो हमिंग साउंड आ रहा है, जैसा वाइब्रेशन साउंड आ रहा है उससे हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम मल्टीमीटर या जैसा कंटिन्यूटी टेस्टर होता है उससे भी हम चेक कर सकते हैं, शॉर्ट तो नहीं हो गया है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा इनलेट वॉल ओके दिखा रहा है। तो इस प्रकार हम इनलेट वॉल का टेस्टिंग हमें सीखे इस बार में। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे ये तो हो गया पानी लेने का प्रोसेस हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे हमारा प्रेशर वॉल बराबर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस पर जो वोल्टेज है वो बराबर क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखेंगे कि वोल्टेज PCB से बराबर आ रहे हैं, अगर PCB से बराबर वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारा प्रेशर सेंसर बराबर वर्क करना चाहिए। ठीक है, और प्रेशर सेंसर कैसा वर्किंग करता है और प्रेशर सेंसर बराबर है नहीं बराबर है ये भी हमें पता लग जाएगा। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो प्रेशर सेंसर वर्क करेगा, वोल्टेज आने के बाद में भी अगर प्रेशर सेंसर वर्क नहीं कर रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं ये भी हम इसमें देखेंगे। अभी जैसे हमने इनलेट वॉल टेस्ट करना देख लिया है, अभी हम क्या करेंगे, जैसे प्रेशर सेंसर का हमने जो जैक होता है वो निकाल लिया है, पर जैसे जैक अगर निकाल लिया है अगर हम प्रोग्राम में डाल के इसे स्टार्ट करेंगे तो माल फंक्शन करेंगे। तो उसमें क्या है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि प्रेशर सेंसर पे सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें जैक लगा रहेगा तो इसका हम सप्लाई चेक नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमने इसका जैक निकाल लिया है। और जैक निकालने के बाद में हम इस पर चेक करेंगे DC वोल्टेज, क्योंकि प्रेशर स्विच जो भी होता है कोई भी मशीन में लगा हो वो DC पे ही वर्क करता है। तो इस पर हमें DC वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये चेक करना है जैक पे। अगर जैक पे DC वोल्टेज आ रहे हैं और हमारा प्रेशर स्विच वर्क नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या रहेगा, प्रेशर स्विच में रहेगा ना कि PCB में। तो पहले हम चेक कर लेते हैं PCB से सप्लाई आ रहा है क्या। तो हमने हमारे क्लैंप मीटर को आप देख सकते हैं, क्लैंप मीटर को जैसे हमने DC वोल्ट पे सेट किया है उसके बाद में हम प्रोब से चेक करेंगे कि इस पर 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट आएगा क्योंकि बॉश की फ्रंट लोड मशीन है। तो इस पर हम चेक कर लेते सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते वक्त शॉर्ट नहीं करना है हमें इसे। तो देखो इस पर 5 वोल्ट आया है, देख सकते 5 वोल्ट आया है। और दूसरे प्रोब पे मैं फिर से इस पर लगा के चेक करूँगा, दूसरे इस पर 1.5 वोल्ट आना चाहिए इसमें। देखो 1.6 वोल्ट आ रहा है इसमें, इसका मतलब PCB से सप्लाई जो आ रहा है वो ओके है, है ना। अभी इसमें हमें ये चेक करना है प्रेशर स्विच हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर सप्लाई आ रहा है उसके बाद भी, जैसे हमारा पहला प्रोसेस हो गया वॉश का, उसने पानी ले लिया है, अभी क्या होगा, एक जैसा प्रोग्राम में पानी का लेवल दिया गया होगा जैसा मीडियम लेवल पे है, जैसे कोई प्रोग्राम में होता है जैसे हाई लेवल पे होता है, कोई प्रोग्राम में ऐसा होता है लो लेवल पे है। तो इसमें जैसा सेट किया है मीडियम लेवल में पानी सेट किया गया है, पानी ले रही है मशीन, अगर सप्लाई भी हमारा आ रहा है उस पर, अगर पानी लेने के बाद ये पानी रुक नहीं रहा है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इसका मतलब हमारे प्रेशर सेंसर में प्रॉब्लम है ना कि
हमारे पीसीबी से जो सप्लायर है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि सप्लाई तो ओके है। तो इस प्रकार हमने प्रेशर सेंसर कैसे चेक करते हैं ये देखा है। अभी हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि हमारी मोटर जो है, जो मेन हमारी मोटर लगी है जो ड्रम को रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो बराबर है या नहीं है, तो उसे कैसे चेक करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं मोटर कहाँ पे लगी है, कैसे लगी है, और उसमें कैसा जैक लगाया, और मोटर को कैसे चेक किया जाए कि हमारी मोटर प्रॉपर है या नहीं है, और उसी के साथ साथ पीसीबी से मोटर तक के सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि सप्लाई आ रहा है पीसीबी से नहीं आ रहा है, तो हम ये फाइंड नहीं कर सकेंगे कि प्रॉब्लम मोटर में है या पीसीबी में है। तो एक बार देख लेते हैं मोटर इसकी बराबर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी जैसे ये मशीन में मोटर लगी है, तो मोटर हम देखते हैं कहाँ पे इसकी लगी है। जैसे मोटर यहाँ नीचे साइड में इसकी मोटर लगी है, पर ये मोटर पीछे साइड से ही ओपन होती है। मैंने यहाँ से व्यू आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें कितने वायर लगे और कैसे लगे हैं और ये मोटर कैसे फिट है। यहाँ पे जैसे मोटर आप देख सक रहे हैं, ये 7 वायर वाली मोटर है, 7 वायर है इसमें, 7 वायर वाली मोटर है। और जो ये उसके बाद में ग्रीन वाला वायर दिख रहा है जैक के ऊपर वाला, वो अर्थिंग का है जो मोटर को डायरेक्ट लगा हुआ है। तो एक बार देखते हैं पीछे से भी कि मोटर कहाँ पर लगी है और कैसे लगी है। तो पहले तो हमें ये जैक खोलना पड़ेगा अगर मोटर खोलनी अगर रही तो, क्योंकि अगर हमें चेक करना है, जैसा मोटर खोलना भी नहीं है, अगर सप्लाई भी चेक करना है हमें, तो ये जैक खोलने के बाद ही हमें सप्लाई चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जैक खोलने के बाद ही वहाँ पे जो थिम्बल्स लगे उससे हम देख सकते हैं हमारी मोटर ओके है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने फ्रंट साइड से मशीन देख ली है, अभी बैक साइड से हम जब मशीन देख रहे हैं, तो बैक साइड से जैसा हमने पैनल खोला है मशीन का, तो पैनल खोलने के बाद में यहाँ पे मोटर लगी है नीचे में। तो नीचे में यहाँ मोटर लगी है, यहाँ पे 2 स्क्रू दिए गए हैं मोटर खोलने के लिए, और उसके साथ साथ ये वायर जो जा रहे हैं 7 या 8 वायर जा रहे हैं, इसमें अर्थिंग का वायर है, वैसे मोटर को 7 वायर जा रहे हैं। तो ये वायर जाके यहाँ से जाके सामने में जा रहे हैं, यहाँ पे जाके जैक में ये कनेक्ट है वायर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमारे मोटर को, टेस्ट कर लेते हैं हमारी मोटर ओके है नहीं है। अगर मोटर हमें टेस्ट करना है तो यहाँ पे देखिए थिम्बल्स के पीछे साइड में भी पॉइंट दिए गए हैं, तो मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं हमारी मोटर ओके है या नहीं है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो मोटर लगाई गई है उसकी टेस्टिंग, उसके बाद इसे 7 वायर क्यों लगाए गए हैं, इसका वर्किंग हम सेपरेट वीडियो में डिटेल के साथ में देखेंगे। अभी हम आते हैं एलिमेंट के तरफ। एलिमेंट मतलब हीटिंग रॉड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये मशीन में ऑप्शन दिया गया है कि गर्म पानी का ऑप्शन दिया गया है, हॉट वाटर का। तो यहाँ पे पीछे में जैसे हमने पीछे साइड से इसे ओपन कर लिया है, तो ये जैसा ड्रम हो गया है, ठीक है, ड्रम के नीचे मोटर लगी है, बाजू में जैसा पीसीबी लगी है इसकी मेन पीसीबी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जैसा एलिमेंट लगा है इसमें, तो पहले हम एलिमेंट चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी आ रही है नहीं आ रही है। कभी कभी क्या होता है, एलिमेंट शॉर्ट होने की वजह से मशीन जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा एमसीबी है वो भी ट्रिप हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम होता है एलिमेंट का। क्योंकि हम अगर हॉट वाटर अगर उसमें यूज़ करेंगे और हमारा एलिमेंट अगर शॉर्ट रहा तो एमसीबी हमारी ट्रिप कर देगा। उसके बाद में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक थिम्बल है, उसके बाद ये दूसरा थिम्बल है, तो ये हो गए एलिमेंट के पॉइंट्स हो गए। उसके बाद में यहाँ पे जो 2 वायर जा रहे हैं ये थर्मोस्टेट के वायर जा रहे हैं, जो टेम्परेचर सेंस करता है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये पॉइंट लगा है ये फिर से अर्थिंग का पॉइंट लगा है इसके बेस प्लेट के बॉडी पे। तो एक बार हम देख लेते हैं, और इस पर आप देख सकते हैं जैसे आपको रीडिंग इसकी देखना है, मतलब इसका रेटिंग देखना है, स्पेसिफिकेशन देखना है कितने का एलिमेंट है क्या है। तो इसमें देखिए 230 वोल्ट मतलब एसी पे वर्क करने वाला, 2000 वॉट मतलब 2000 वॉट का है, 2 किलोवाट इसे बोल सकते हैं। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन हो गया। तो एक बार हम इसे चेक करेंगे कि हमारा एलिमेंट बराबर है कि नहीं है। तो जैसे मैंने कंटिन्यूटी ले ली है, लाइट कंटिन्यूटी ले ली है मैंने, तो लाइट कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि हमारा एलिमेंट बराबर है नहीं है। जैसे एलिमेंट के ये पॉइंट पे रखता हूँ मैं और ये भी पॉइंट पे रखता हूँ, तो इसके बाद हम चेक कर रहे हैं जैसे हमारा एलिमेंट ये बराबर है, ठीक है। हमें ये बॉडी के तरफ नहीं लगाना है, क्योंकि बॉडी के तरफ लगाएंगे तो कंटिन्यूटी आएंगी, हमें ये थिम्बल के तरफ लगा के चेक करना है। तो इसका मतलब ही हमारा एलिमेंट बराबर है, पर अभी हम ये एलिमेंट देखेंगे कि बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। तो देखिए ऐसा बॉडी को एक बार लगाना है और एक तरफ का जो टर्मिनल है वो थिम्बल के ऊपर लगाना है इसके। देखिए बॉडी शॉट नहीं दिखा रहा है, अभी यहाँ से हम चेक कर लेंगे सेम, इसमें भी बॉडी शॉट नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट ओके है। इस तरीके से इसका एलिमेंट चेक किया जाता है। तो अभी हमने एलिमेंट चेक करना देख लिया है, तो अभी हम इसका जो थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा है ये चेक करेंगे, इसे सेंसर भी कहते हैं। तो इसका लॉक मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, इसे ऊपर प्रेस करके लॉक को इसे पीछे खींच लेना है इसका।
इसके बाद में मैं इसे चेक करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर दो टर्मिनल है, दो दो टर्मिनल पे मैं लगाता हूँ, तो देखो इस पर भी कंटिन्यूटी आ रही है, देखो इस पर भी कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब हमारा ये थर्मोस्टेट भी ओके है। तो ये जैक फिर से मैं लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने देख लिया है एलिमेंट चेक करना, और एलिमेंट बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है वो भी हमने चेक करना देख लिया है इसमें। उसी के साथ साथ हमने जो थर्मोस्टेट है मतलब सेंसर है, हीटिंग सेंसर जो है वो भी हमने चेक कर लिया है इसमें कि ओके है नहीं है। अभी नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जैसे हमारे इसमें हमने ये जैसा इनलेट वॉल देख लिया है, उसके बाद में प्रेशर सेंसर देख लिया है, उसके बाद में हमने मोटर चेक कर लिया है, उसके बाद में एलिमेंट चेक कर लिया है, इसका थर्मोस्टेट भी देख लिया है। अभी हम इसका नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे ड्रेन पंप। ड्रेन पंप मतलब वो सामने साइड में लगा होता है जो इस पाइप के जरिए पानी बाहर फेंकता है, तो अभी हम वो भी चेक कर लेंगे। तो अभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे जो ड्रेन मोटर लगी है इसमें। ड्रेन मोटर का वर्किंग ऐसा है, जब इसे हम स्पिन में डालते हैं या उसके पहले जैसा रिंस में डालते हैं, तो रिंस के पहले हम जैसा वॉश में डालते हैं, वॉश में डालने के बाद में क्या होता है, जब कपड़े धुल जाते हैं तो जो गंदा पानी रहता है उसको भी बाहर फेंकने का काम, यहाँ से मशीन से आउट करने का काम ये ड्रेन मोटर करती है। उसके बाद में जब रिंस प्रोसेस करते हैं उसमें भी जो गंदा पानी होता है उसको बाहर फेंकने का काम ड्रेन मोटर करती है। अभी ड्रेन मोटर का वर्किंग ऐसा है, जब स्पिन में हम मशीन को डालते हैं, स्पिन में मतलब जब कपड़े हमें ड्राई करने हो, उस समय ये मशीन कंटिन्यू स्टार्ट रहती है। तो ये मशीन कंटिन्यू स्टार्ट है, तो उसमें कैसा होता है, जहाँ पे ये ड्रम है तो ड्रम में कैसा, अंदर जो इनर ड्रम है जब रोटेट होता है, कपड़े जब सुखाता है, तो उसका जो पानी है ये नीचे के प्लेटफॉर्म में इधर कलेक्ट होता है, यहाँ पे नीचे के ड्रम के सेक्शन में। तो यहाँ पे होस पाइप लगा हुआ है, तो ये होस पाइप से ये ड्रेन मोटर को कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ से ड्रम से ये होस पाइप ये ड्रेन मोटर को कनेक्ट है। तो अभी जब हम ये ड्रेन मोटर स्टार्ट करेंगे तो जो भी पानी यहाँ पे आएगा, जो भी पानी यहाँ पे कलेक्ट होगा, तो ये पानी ये मोटर सक करके ये पाइप से पीछे के साइड में बाहर फेंक देंगी। तो एक बार ये देख लेंगे हम ये मोटर हमारी स्टार्ट है या नहीं है। ये मोटर स्टार्ट है नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, जब इस पर सप्लाई आता है, ये 220 वोल्ट पे वर्क करने वाली मोटर है, मतलब एसी पे वर्क करने वाली मोटर है। तो इसमें देखिए इसका जैक लगा है यहाँ पे सामने में, तो इसमें दो थिम्बल दिए हैं ये मोटर में, और जैक पे दो पॉइंट दिए हैं थिम्बल को कवर करने वाले। अभी दो पॉइंट है, मतलब एक है फेस और एक है न्यूट्रल। तो इस पर हम जब चेक करेंगे सप्लाई, क्योंकि सप्लाई हम इसलिए चेक करेंगे कि हमें ये देखना है कि हमारी अगर ड्रेन मोटर वर्क अगर नहीं कर रही है, तो ड्रेन मोटर अगर हमारी वर्क नहीं कर रही है तो हमें इसलिए चेक करना है कि जैसा ड्रेन मोटर वर्क नहीं कर रही है, तो जैसे हमें पता चल गया ड्रेन मोटर हमारी वर्क नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि सप्लाई बराबर आ रहा है क्या। अगर सप्लाई इस पर आ रहा है तो इसका मतलब पीसीबी से सप्लाई ओके है। अगर इस पर सप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब पीसीबी से ही सप्लाई नहीं आ रहा है। पीसीबी से सप्लाई नहीं आ रहा है तो वो प्रॉब्लम रहेगा पीसीबी का। अगर पीसीबी से सप्लाई आ रहा है और इस पर हमें सप्लाई मिल रहा है 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक, तो सप्लाई इसमें ओके, प्रॉब्लम है हमारे ड्रेन मोटर में। अभी ड्रेन मोटर में कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें कचरा, डस्टिंग या कुछ कॉइन फंस जाने की वजह से ये ड्रेन मोटर वर्क नहीं करती है। तो इसके लिए यहाँ से सामने से ओपन करना पड़ता है इसे। तो यहाँ से सामने से अगर हम इसे ओपन कर लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जब इसे ओपन करते हैं तो ये बाहर निकल जाता है। तो उसमें का जैसा भी जो भी कचरा है या डस्टिंग है या कॉइन है या कुछ उसमें फंस चुका है या धागे है कुछ फंस चुका है, तो उसे हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम की वजह से भी ये मोटर ब्लॉक हो जाती है। तो इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इसे क्लीन कैसे करते हैं। तो क्लीन कब देखेंगे, मेंटेनेंस में देखेंगे, क्योंकि जब मोटर की सर्विसिंग देखेंगे, जैसे मशीन की सर्विसिंग देखेंगे, उस समय हम इसे क्लीन करना सीखेंगे कि इसे क्लीन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं हमारी मोटर प्रॉपर वर्क कर रही है स्पिन में डालने के बाद कि नहीं कर रही है, इसके बाद सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी इसके बाद जैसे हम ये ड्रेन पंप टेस्टिंग का देख रहे थे, तो हमने पहले तो डोर लगा दिया है, क्योंकि विदाउट डोर तो वो वर्क नहीं करेगा। इसके बाद में हम डोर स्विच का ही देखेंगे कैसा वर्किंग होता है। तो अभी जैसा ड्रेन मोटर है, तो ड्रेन मोटर कैसे वर्क करती है हम एक बार देख लेते हैं। जैसा फेज न्यूट्रल, उसको पीसीबी की तरफ से जाना चाहिए 230 वोल्ट। तो हमने ड्रेन के ऊपर जैसा स्पिन के ऊपर सेलेक्ट कर लिया एमटी इसके ऊपर, तो अभी मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए अभी जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है तो मशीन स्टार्ट हो गई है मोटर हमारी, ठीक है। पानी की आवाज़ आ रही है बाहर जाने की, पानी पीछे से बाहर फेंकेगा मोटर, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ऐसे मोटर स्टार्ट हो गई है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मोटर ऐसे स्टार्ट हो रही है पर उसके बाद में भी अगर
पानी अगर ये बाहर नहीं जा रहा है, इससे आउट नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे कुछ कचरा है, डस्टिंग है, या कुछ फंस चुका है, कॉइन है, कुछ भी हो सकता है जो कपड़ों के धोते वक्त उसमें चले जाता है। तो उसको हम तो मेंटेनेंस में ही क्लियर करेंगे क्योंकि जब सर्विसिंग करेंगे इसकी तो उसमें बताएंगे सर्विसिंग कैसे की जाती है, तो उसके साथ साथ इसको भी क्लीन करेंगे। अभी तो मोटर हमारी स्टार्ट है, मतलब ये बराबर है। अभी एक बार ये भी चेक कर लेते हैं मोटर पे सप्लाई कैसे आ रहा है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा सप्लाई तो आ रहा है पर मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमें ये फाइंड करना है कि मोटर स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। उस समय ऐसा भी हो सकता है कि सप्लाई नहीं आ रहा है इसलिए मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। तो एक बार ये हम चेक कर लेते हैं कि पीसीबी की तरफ से बराबर इसमें सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभी हम इसमें जैसे इसका जो प्रॉब है, इसका जो जैक है, इस पर देख लेते हैं डायरेक्ट, मतलब 230 वोल्ट आ रहा है क्या, क्योंकि इससे हम श्योर हो जाएंगे कि हमारी पीसीबी ओके है। अगर कहीं कंडीशन में ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रेन मोटर में ही प्रॉब्लम है कि सप्लाई नहीं आ रहा है, तो ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार उसे स्टार्ट कीजिए। तो स्पिन में डालने के बाद में हमने इसे स्टार्ट किया है, तो हमारा देखिए स्पिन के लिए हमारा ड्रम भी रोटेट होना स्टार्ट हो गया है और इस पर 230 वोल्ट भी आना चालू हो गए। तो क्लैंप मीटर में शो हो रहा है 230 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब पीसीबी से सप्लाई ओके है, है ना। तो हमने इसमें ये भी देख लिया कि हमारा मोटर कैसे चलता है, कैसा ड्रेन मोटर वर्क करता है, उसी के साथ साथ पीसीबी से सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी हमने इसमें चेक कर लिया है। तो पीसीबी ओके है और इसमें ड्रेन मोटर भी ओके है हमारी। तो इसका मतलब ऐसा है कि अभी हम सप्लाई ये भी फाइंड कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है हमारे, इसमें पीसीबी में है या हमारे पार्ट्स में है। तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम चेक करने हैं। तो इस प्रकार हमने इसमें जैसे जो भी पार्ट लगे हैं, इलेक्ट्रिकल जो पार्ट लगे हैं, वो हमने इसमें देख लिए है, चेक कर लिए है कि सप्लाई पीसीबी से आ रहा है, पार्ट ओके है नहीं है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ फाइंड करना आना चाहिए। क्या होता है अगर हमें दोनों चीज़ के बारे में अगर पता नहीं रहेगा तो हम ये नहीं बता सकेंगे कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पार्ट तो लेके आते हैं, पार्ट हम नया भी लगा देते हैं, पर उसके बाद में भी मशीन वर्क नहीं करती है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि हमारे पीसीबी में भी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीसीबी भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए वो पार्ट ऑन नहीं हो रहा है। तो हमने ये भी देख लिया है पीसीबी से कैसा सप्लाई आता है, कैसा चेक करना है, कहाँ पे एसी सप्लाई आता है, कहाँ पे डीसी सप्लाई आता है, और इसके बाद में क्या वर्किंग इसका रहेगा। तो अभी हम ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये भी आता है मशीन में कि जो ड्रम है, जो ड्रम हमारा घूमता है, उस समय घूमते समय कभी कभी मशीन आवाज़ करना, उसके साथ में अनबैलेंस घूमना मतलब उसमें ऐसा होता है हमारा लोड भी प्रॉपर है, सस्पेंशन भी प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद में जब मशीन घूमती है हमारी, तो मशीन जब घूमती है तो इसमें वाइब्रेशन काफ़ी आता है मशीन में। तो मशीन में अगर वाइब्रेशन आ रहा है तो हमें वो भी चेक करना है कि इसके जैसे ऊपर के जो स्प्रिंग सस्पेंशन है, उसके बाद में नीचे के जो हाइड्रोलिक शॉकअप्स है, जो 3 हाइड्रोलिक शॉकअप हमने देखे थे इसके पहले वीडियो में, वो भी हमारे बराबर है नहीं बराबर है, क्योंकि उसके वजह से भी मशीन हलती है। अगर वो शॉकअप चले जाते हैं, जो हाइड्रोलिक शॉकअप होते हैं, अगर वो चले जाते हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं, अगर वो जाम हो जाते हैं, उस वजह से भी मशीन का हलना और मशीन का डिसबैलेंस होना, ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस प्रकार अभी हम इसमें देखेंगे कि जैसा हम मशीन अगर स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा ड्रम बराबर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कैसे हम फाइंड करें कि अलाइनमेंट है नहीं है, क्योंकि डग तो नहीं जा रहा है, डग होने से भी मशीन में वाइब्रेशन आता है और आवाज़ आती है। तो उस कंडीशन में हमें ड्रम का हो सकता है जैसे बेयरिंग्स भी चेंज करना पड़ जाए। कभी कभी प्रॉब्लम ये भी आती है कि शाफ्ट बेंड हो जाता है, ये एकदम माइनर प्रॉब्लम होते हैं। शाफ्ट का बेंड होना एकदम माइनरली और स्लॉटली ये काफ़ी रेयर होता है, कि वैसे ये प्रॉब्लम आता नहीं है। प्रॉब्लम वो इसी वजह से क्रिएट हो सकता है, एक तो बेयरिंग गई है, एक तो उसमें जैसे स्पाइडर लगा होता है ड्रम को होल्ड करने के लिए वो गया है, या ड्रम हमारा अनबैलेंस घूम रहा है उसके वजह से, या उसका जहाँ पे मोटर कनेक्ट है, मोटर से क्या होता है, मोटर से जो बेल्ट कनेक्ट होता है, या शाफ्ट आ गया बाहर पे तो मोटर है तो मोटर से बेल्ट कनेक्ट है, और बेल्ट जो कनेक्ट है वो आउटर डिस्क से कनेक्ट है, जिसके वजह से वो अंदर का हमारा जो ड्रम है वो घुमा रहा है। तो एक बार हम मशीन चालू करके देख लेते हैं इसका प्रॉपर फंक्शनिंग कैसा होता है। जैसे मैंने स्पिन पे डाल दिया है तो एक बार मैं स्टार्ट करके इसे देखता हूँ। तो देखिए अभी मशीन हमारी रोटेट होना चालू हो गई है, तो जिस तरीके से अभी ये ड्रम हमारा घूम रहा है ना, जो ड्रम हमारा स्टार्ट हो गया है रोटेट होना, इस प्रकार से अगर ड्रम हमारा घूम रहा है तो इसमें ड्रम में हमें ये भी देखना है कि ये प्रॉपर अलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये डोर से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस हो गया। और इसे हम पीछे से भी देखेंगे कि डक तो हमारा व्हील नहीं घूम रहा है, क्योंकि हमारा जो व्हील उसमें घूमता है वो भी हमारा व्हील जो घूम रहा है प्रॉपर घूमना चाहिए। तो एक बार पीछे से एक बार देख लेते हैं हम। देखिए प्रॉपर पीछे से भी व्हील हमारा घूम रहा है प्रॉपर, इसमें फाइंड हम कर सकते हैं हमारा व्हील डक तो नहीं है। तो देखिए लीनियर एकदम प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर चल रहा है मतलब हमारा व्हील
प्रॉपर है, तो इसके ऐसे फाइंड कर सकते हैं हम इसमें प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ड्रम का भी प्रॉब्लम होता है, इनर ड्रम का भी प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी, उसके साथ साथ जो आउटर ये जो प्लेट लगी है, जो प्लेट शाफ्ट को कनेक्ट होके अंदर के ड्रम को रोटेट कर रही है, तो इसमें भी डग होने के वजह से प्रॉपर उसमें वर्किंग नहीं हो पाती है। और ये जो शाफ्ट लगा है तो बीच में बेयरिंग से कनेक्ट है आगे के ड्रम के साथ में, कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो इस तरीके से देखिए ये मोटर घूमना स्टार्ट हो गई है। कभी कभी बेल्ट में भी प्रॉब्लम रहता है, तो उसके वजह से भी मोटर कभी स्लो घूमती है, क्योंकि बेल्ट अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो ग्रिप नहीं पकड़ पाएगा वो ड्रम के ऊपर में, तो ये भी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका वर्किंग देख लिया है। तो इस तरीके से हमने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का रिपेयरिंग सेगमेंट जो हम कवर करने वाले थे हमने देखा है, पार्ट कैसे चेक करते हैं, उसके बाद में पीसीबी से सप्लाई आ रहा है, पीसीबी ओके है नहीं है, कैसा पार्ट वर्क कर रहा है, कहाँ पे कितना सप्लाई आ रहा है, ये हमने चेक किया है। तो हमने इस वीडियो में रिपेयरिंग का कवर किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मशीन को मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, कैसे सर्विसिंग की जाती है मशीन की, ये भी हम इसमें कवर करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के बाद में। तो इस प्रकार हमने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का प्रोसेस समझ लिया है, उसके बाद में वर्किंग समझ लिया है, इसमें क्या फंक्शंस होते हैं वो हमने समझ लिया है, उसके बाद में जो सेकंड वीडियो हमने बनाए थे इसके पहले उसमें हमने मशीन कैसे खोली जाती है, कैसे डिसेंबल की जाती है, कहाँ से ओपन होती है वो हमने समझ लिया है। और अभी जो ये वीडियो है इसमें हमने रिपेयरिंग का देख लिया है, जो मेन पार्ट्स होते हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए। जहाँ तक के जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जितनी भी मार्केट में आती है, सिर्फ आपको ये देखना है कि मशीन को खोलना कैसे है। हर मशीन का प्रोसेस ओपन करने का सेम ही होता है, पहले तो फ्रंट जैसा टॉप का पैनल निकाल लीजिए, बैक पैनल खुल जाता है। फ्रंट पैनल खोलते वक्त ऐसा हो सकता है आपको कि कभी कभी जैसे कहीं पे स्क्रू लगे हैं, कोई स्क्रू स्टार भी हो सकता है, जैसे ये बॉश की मशीन है तो इसमें जो स्क्रू लगे थे वो स्टार हेड स्क्रू लगे थे, तो वो भी आपको देखना है कहाँ पहले स्क्रू लगे वो प्रॉपर देख लीजिए, उसके बाद में कहाँ लॉक्स है प्रॉपर देख लीजिए। तो खोलने का प्रोसेस तो मेन ऐसा ही होता है कि पहले ऊपर का पैनल खोल लीजिए, उसके बाद में सबसे नीचे का पैनल खोल लीजिए, उसके बाद में जो बीच का पैनल होता है वो खोलने के लिए आपको स्क्रू दिख जाएंगे एज इट इज़, तो वो स्क्रू आपको दिख गए तो वो स्क्रू खोलने के बाद ये भी पैनल हमारा बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार कोई भी मशीन फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन रही तो आप इस प्रकार उसे खोल भी सकते हैं, उसके पार्ट्स प्रॉपर है नहीं है ये भी आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग होती है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। धन्यवाद। हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए।